सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब चैनल के जो वीडियो होते हैं उनके ऊपर आई बटन को कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आई बटन के माध्यम से आप आपके चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं और आपके अन्य वीडियो भी आई बटन में ऐड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही छोटी मोटी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। सबसे पहले मैं मेरा क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है YouTube स्टूडियो सर्च कर लेना है। इसके बाद में आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसको डेस्कटॉप साइड में कर देना है, ताकि आपको जो डिस्प्ले पे दिखे वह लैपटॉप या पीसी की तरह दिखे, यानी कि स्क्रीन है वह आपको लैपटॉप या पीसी की तरह शो होने लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यूट्यूब स्टूडियो की पहली लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि आपके चैनल का लोगो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूट्यूब वीडियो का आई बटन को कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है डैशबोर्ड के नीचे, जस्ट वीडियो मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि आपके सारे वीडियो यूट्यूब पे जो अपलोड किए वह शो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जिस वीडियो पे आई बटन को ऐड करना है उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे मुझे यहाँ फर्स्ट वीडियो पे आई बटन को ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि यहाँ पे आपका टाइटल लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना और आपको यहाँ पे देखना है आई कार्ड्स का ऑप्शन शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे CARDS कार्ड्स लिखा हुआ शो आपको होगा। इसके सामने जस्ट पेंसिल का आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्लस का निशान है और कार्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, वीडियो ऐड करना है या प्लेलिस्ट ऐड करनी है, या फिर चैनल को ऐड करना है, या फिर किसी चैनल के लिंक को ऐड करना चाहते हो, यानी कि आप जो ऐड करना चाहते हो यहाँ पे चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल में मुझे वीडियो को आई बटन में ऐड करना है, इसलिए मैं वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही वीडियो पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने पूरी वीडियो गैलरी ओपन हो जाएगी, यानी अब तक मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे वो सारे वीडियो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे मुझे जो वीडियो आई बटन में ऐड करना है उस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट करके आई बटन में ऐड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा आई बटन का वीडियो है वह ऐड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे आपको वीडियो के कोने में दिखने लग जाएगा मोबाइल से यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाए। ये वीडियो मैंने आई बटन में ऐड करने के लिए सेलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद कितने सेकंड पे आई बटन का वीडियो है वो शो होगा तो वह आपको समय यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके वीडियो में आई बटन है वह ऐड हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह एंड स्क्रीन को भी ऐड कर सकते हैं। एंड स्क्रीन को ऐड करने के लिए मैं आपको इसी तरह की दूसरी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो एंड स्क्रीन की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जल्द से जल्द एंड स्क्रीन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।